बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के भड़ापुर में गन्ने के खेत में मिली लड़की की लाश का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। आपको बता दें कि प्रियंका नाम की लड़की नोभा नाम के लड़के से प्यार करती थी, जिसका पता इसके मामा व गांव वालों को हो गया, जिस कारण नोभार प्रियंका से मिलने चुप चुप के आने लगा। दोनों अलग जाति के होने की वजह से शादी को मना करने लगे। इस बात से नाराज होकर प्रियंका ने नोभार को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने लगी, जिसे परेशान होकर नोभार आधी रात अपने साथी रोहित के साथ मिलकर नोभार ने प्रियंका को मिलने के बहाने बुला लिया और धारदार हथियार से वार कर गले में दुपट्टा डाल गला घोट मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के इस खुलासे से एसपी धर्मवीर सिंह ने टीम को पुरस्कार से नवाजा। 26 तारीख को बढ़ापुर थाने के कोपा गांव में एक नवयुवती की पेट में नुकीले धारदार हथियार से प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया गया था। वहाँ के SPRA CO स्वास्थ्य प्रभारी शिक्षक ने बहुत जल्दी ही घटना का अनावरण किया। पूरा प्रकरण ये था कि उस युवती का एक गहरा मित्र नवभार सिंह, जिनकी अंतरंगता थी, फिर बाद में उसने शादी का दबाव बनाया, क्योंकि दो विभिन्न जातियों के लोग थे, उसने साजिश के तहत अपने एक मित्र रोहित के साथ आया बाइक से और वहाँ पर ब्लेड से उसके पेट में चोट पहुँचा करके मर्डर कर दिया। आला कतल, चाकू, ब्लेड, ट्रक रंजित कपड़ा, अन्य सामग्री बरामद किया गया है। दोनों अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस वाहन से आए थे मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है।